आज हम स्टैटिस्टिक्स में जो फोर्थ क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो देखो, आप डेटा को या तो आप टेबल्स में प्रेजेंट कर सकते हो, या आप कर सकते हो डायग्राम में, या आप कर सकते हो किसमें, ग्राफ्स पर। ठीक है, चार्ट्स बनाकर, ग्राफ्स पर चार्ट्स बनाकर आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो जो डेटा की प्रेजेंटेशन है आप इस तरीके से कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे टेबल्स में कैसे प्रेजेंट होगा, डायग्राम्स में कैसे होगा और ग्राफ्स में कैसे होगा। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज टेबुलेशन। टेबुलेशन क्या होता है? देखो, टेबुलेशन क्या है, स्टैटिस्टिकल टेबल होती है जो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, डेटा और इन कॉलम्स एंड रोज। डेटा को आप कॉलम्स में और रोज में आप क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो क्या होगी आपकी टेबुलेशन हो गई। जैसे ये हो, एक टेबल बनाते हैं, हमने क्या टेबल बनाया, हमने टेबल बनाया आपके रिजल्ट्स की। तो हमने ये लिखा, पहले तो हमने क्या लिखा कि टाइटल, सबसे पहले ना टेबल में इंपॉर्टेंट होता है उसका टाइटल कि टेबल किस चीज़ की है। तो आप लिखेंगे टेबल नंबर वन, जो भी टेबल नंबर है आपने लिखा कि टेबल नंबर वन टू, जो भी आपने लिखा ए बी जो भी लिखा। फिर टाइटल क्या है टेबल का, कि भाई ये है प्रेजेंटेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से टेबल शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिखा आपने। उसके बाद आपने क्या लिखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे बना सकते हो, बस सिंपल से मैं टेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। आपने ऐसे बना दिया कि भाई पांच स्टूडेंट ऐसे थे जिसके आपके 80% और अबव थे, बन गई टेबल, है ना। आपने लिखा कि 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिसके आपके 70-80% थे, 13 स्टूडेंट ऐसे थे जिसके 60-70% थे, ऐसे आपने बना दिया। ठीक है, ये टेबल बनी आपकी। आप इसका एक और चीज दे सकते हो यहाँ पर फुट नोट में कि क्या उसका सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स क्या है। अब देखो इसमें ये चीज क्या है, ये तो कॉलम्स हो गए, ऐसे वर्टिकल वाली चीजें क्या होती है, कॉलम्स होते हैं, और ऐसे क्या होता है आपके रोज। तो इसमें कितनी रोज है, एक तो ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, दो कॉलम्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेन टेक्स्ट, बीच वाले जो बॉडी बोलते हैं इसको, ये आपके ये कॉलम्स, कॉलम्स को बोलते हैं कैप्शन, अभी हम देखेंगे कॉलम्स को क्या बोलते हैं, और रोज को बोलते हैं स्टब्स, रोज को स्टब्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसमें। तो अब देखो टेबल क्या है, ये ग्राफिक क्या था, स्टैटिस्टिकल टेबल का एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन था जो कॉलम्स और रोज में डेटा को प्रेजेंट किया गया, यही था ना। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप आराम से इजिली अंडरस्टैंड कर पाओ जो भी इसके मतलब जो भी आप डेटा है उसको आप कम टाइम में और एक सिस्टमेटिक वे में आप दिखा सको जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो। दोनों में फर्क क्या है, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में। फर्स्ट बताओ, क्लासिफिकेशन पहले हो गया टेबुलेशन, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि पहले आप डेटा को क्लासीफाई करते हो फिर आप उसको प्रेजेंट करते हो टेबल में। ठीक है, अब बेस कौन सा बनेगा, क्लासिफिकेशन इज बेसिस ऑफ टेबुलेशन, मतलब पहले क्लासिफिकेशन करो इसके बेस पे आपका टेबुलेशन होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करता है डेटा को किसमें, डिफरेंट क्लासेज में, मतलब आपने पढ़ा था ना कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक से भी आप, ये आपके कॉलम्स रोज में करेगा। ठीक है, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी में तो क्लासिफिकेशन हो गया और इसमें आपके रोज एंड कॉलम्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की टेक्निक है जबकि ये प्रेजेंटेशन की टेक्निक है। क्लासिफाई कर रहा था ना, तो वो क्या था आपका स्टैटिस्टिकली, ये क्या था आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की टेक्निक थी, और ये थी आपकी प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन की। क्लासिफिकेशन डिवाइड करता है क्लासेज और सब क्लासेज में, क्लासेज और लाइक जैसे आपने लिखा कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये तो वो क्लासेज। फिर नॉर्थ में सब क्लासेज बना दी, भाई नॉर्थ में हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, जो भी आप लिखो, तो ये क्या बनी आपकी सब क्लासेज। जबकि ये क्या करेगा, अंडर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, हेडिंग्स एंड, अब उसमें क्या लिखी आपने, हेडिंग्स में आपने लिख दिया भाई स्टूडेंट ऑफ एमकॉम, एमकॉम में आपने लिख दिया गर्ल्स बॉयज, तो हेडिंग्स क्या बनी आपकी स्टूडेंट्स, मतलब उसमें लिख दिया आपने एमकॉम के जो सब था उसके अंदर आपने लिख दिया गर्ल्स बॉय, अलग अलग सेपरेट कर दिया, तो हेडिंग और सब हेडिंग्स बन गई। तो ये था दोनों में डिफरेंस। तो पहले क्या हुआ, पहला था कि पहले क्लासिफिकेशन होता है फिर आपका, फिर क्या होता है प्रेजेंटेशन या टेबुलेशन होता है, प्रेजेंटेशन आप टेबुलेशन बोलेंगे, ये प्रेजेंटेशन की बात तो एक ही है, टेबुलेशन वन पार्ट है प्रेजेंटेशन का, तरीका है।
दूसरा क्या है, क्लासिफिकेशन बेसिस हो गया टेबुलेशन का, जबकि जो आपका टेबुलेशन है इस ये क्या है, इसके बेस पे बनाया जाएगा क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन क्या कर रहा था, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर आपके ग्रुप्स बना रहा था, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स या क्लासेज या सब क्लासेज, और वो क्या बना रहा था आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, टेबुलेशन, ठीक है। और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की टेक्निक है, प्रेजेंटेशन की टेक्निक है, और लास्ट वन अभी हम कर ही चुके हैं डिस्कस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको अच्छे से, ओके। देखो अब अभी हम बात कर रहे थे कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं टेबल के, तो अभी देखो हमने कहा कि टेबल नंबर होगा, ऊपर लिखेंगे व्हाट इज टेबल नंबर जो भी है, टाइटल टेबल का टाइटल क्या, अभी टेबल किसको प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। हेड नोट्स मतलब उसके किसके बारे में आप बता रहे हो, कोई जैसे ऐसे नहीं लिखते ब्रैकेट में, तो वो हेड नोट्स हो गया। स्टब्स का मतलब रोज अभी बताया था, कैप्शन का मतलब कॉलम्स, और बॉडी ऑफ फील्ड मतलब जो मेन टेक्स्ट रहता है ये वाला पार्ट, ठीक है। और नीचे आता है फुट नोट, यानी जो आप सोर्स लिखते हो ना, देखा होगा आपने कि यहाँ से लिया, तो ये पूरी होती है आपकी टेबल के बारे में, ठीक है। टेबल नंबर, उसके बाद उसका टाइटल, फिर हेड नोट, स्टब्स, रोज, कॉलम्स एंड देन बॉडी ऑफ और फील्ड और फुट नोट, ठीक है, ओके। थोड़ा हल्का हल्का पंखा चला लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं ना, वही आ रही है। हाँ क्या कह रहे हो, ये तो ऐसा ही अच्छा, ये अच्छा यहाँ से हुआ था कहीं, अच्छा अच्छा ऐसे था ये पहले, अरे रिकॉर्डिंग हो रही। देखिए टेबल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसको बता सकते हो। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस का मतलब हो कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने टेबल बनाई है, हो सकता है आपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई है, हो सकती है आपने बना ली उसको धीरे धीरे अपडेटा चाहिएगा, हम बाद में निकालते रहेंगे। तो एक होती है आपकी जनरल पर्पस और एक होता है स्पेसिफिक। अगर आप बस डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो, बस इकट्ठा कर रहे हो विदाउट एनी पर्पस, जनरल पर्पस के लिए, तो वो क्या होता है आपका जनरल पर्पस टेबल, जनरल पर्पस टेबल आपकी जो बनेगी। जैसे कि आपका कोविड का डेटा है, गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, बस इकट्ठा कर रही है बस इसलिए कि कितना केसेज आ रही है, तो ये तो क्या हुआ जनरल पर्पस। अब इस कोविड के डेटा में से आप कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए आप अलग से टेबल बनाए, तो वो क्या हो गया आपकी स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। तो दो तो ये हो गई, अब इनको छोड़िए आप इस पर, ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन एक होती है वन वे टेबल। वन वे का मतलब होता है जब आप किसी भी टेबल को किसी एक करेक्टरिस्टिक्स पे भी यहाँ पर आप मतलब डेटा को प्रेजेंट करें टेबल में, तो वो होती है वन वे क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आप सभी स्टूडेंट को बाइफरकेट किया जाए, आपको आपके ऑन द बेसिस ऑफ योर बी कॉम मार्क्स, तो क्या होगा आपकी वन वे टेबल, क्योंकि आपकी एक ही करेक्टरिस्टिक्स है ना, परसेंटेज ऑफ बी कॉम मार्क्स, तो ये हुई वन वे। अगर मैं अब आपको क्लासीफाइड करूँ दो करेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन इज योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सेकेंड योर एज, तो क्या होगी ये टू वे। अब मैं आपको बाइफरकेट करूँ किस पे, एज ग्रुप, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और आपका इनकम लेवल, तो ये क्या हो गया आपके मेन फोल्ड बोल दो या मल्टीपल टेबल बोल दीजिए, तो क्या होगा आपका वन वे में आपका एक करेक्टरिस्टिक्स के बिहार पर, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आपका टू वे में दो करेक्टरिस्टिक्स, और मेन फोल्ड का मतलब क्या होता है तीन या उससे ज़्यादा। हमने लिखा पहले बी कॉम के बेसिस मार्क्स के बेसिस, तो वन वे बी कॉम के मार्क्स, और हमने दूसरा लिखा था क्या एज ग्रुप, तो वो दो हो गए, और तीसरा आपने इनकम ग्रुप ले लिया तो तीन हो गए, या इनकम तीन तो हो गए, इसके अलावा और भी ले लो आप, से कुछ भी ले लो, से जेंडर ले लो, कुछ ले लो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हुई आपकी टेबल्स के टाइप्स। उसके बाद आया डायग्राम, ये तो टेबल में प्रेजेंटेशन हो गया, अब आई डायग्राम। डायग्राम में आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हो, डायग्राम में आप देखो पिक्चर्स के थ्रू करते हो ना, पिक्चर्स के थ्रू
या आप मतलब चार्ट्स के थ्रू आप वो बना रहे हो, ग्राफ्स पेपर पे बना रहे हो चार्ट्स लाइक दिस, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे कर सकते हो। सबसे पहले डायग्राम है बार डायग्राम। बार डायग्राम में सबसे पहले सिंपल सिंपल आपने देखा है, बस आपने क्या लिखना है, दो एक्स एक्सिस लेने हैं इस तरीके से। आप बना सकते हो, ग्राफ पेपर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इधर लिखा, ये ऐसे लिखा, और ये बता दिया कि मान लो आपने इधर लिख दिया कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये लिख दिया मान लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कुछ भी लिख लो आपकी मर्जी है, ठीक है। इधर लिख दिया स्टूडेंट, आपने लिख दिया इधर ज्योति, इधर लिख दिया प्रीति, ठीक है, इधर मुस्कान, ठीक है, इधर आपका रेनू मैडम, ऐसे नाम लिख दिया मान लो चार सब्जेक्ट। तो अब इन्होंने कहा कि इसके 75% है, तो इसको ऐसे घुमा दिया, बन गया ये प्रीति का बन गया, मतलब जिसके जितने परसेंटेज है, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ना। तो ये क्या हुआ आपका सिंपल बार डायग्राम, बिल्कुल सिंपली आपने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, कि इसकी इतनी परसेंटेज है, इधर परसेंटेज, इधर जितना भी उसके साथ मैच कर दे, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल बार डायग्राम। एक आया मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है, आपका कंपेरिजन हो जाएगा, जैसे इसी के साथ में आ जाएगा, ये देखो ये दिख रहा, बस ये अलग अलग दिखाया ना, यहाँ पर इकट्ठा करके दिखा देंगे ये लोग। मल्टीपल मतलब, मल्टीपल का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आपने एक ही बार डायग्राम पर एक से ज्यादा चीजों को दिखाया गया है, ठीक है, और साथ साथ करके दिखाया, तो ये मल्टीपल हुआ। एक सब डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ, एक ही में ना, एक ही बार डायग्राम में पूरे के पार्ट को दिखा दिया, जैसे कि टोटल सेल्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, कॉस्ट में प्रॉफिट्स में, दो में कर दिया, मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट्स में दो पार्ट बना दिया। इसी तरीके से आप किसी और चीज़ का, जैसे कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसको तीन एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो वो क्या होगा, सब डिवाइडेड। बात समझ में आई। सिंपल में आप सिंपली एक बार डायग्राम बना के दिखा रहे हो अलग अलग करके, मल्टीपल में आप इकट्ठा करके दिखा रहे हो सभी को, और आपका सब डिवाइडेड में एक ही बार डायग्राम पे सब चीज़ों को दिखा रहे हो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था आपका बार डायग्राम। कंपैरिजन के लिए मल्टीपल होता है, सब डिवाइडेड आपको परसेंटेज के बेसिस पे आ गया। और डेविएशन का देखो, ये फोर टाइप का, ये देखो इसमें क्या था, चेंज ही देखा जाएगा भाई, आपके बी कॉम से एम कॉम के मार्क्स बढ़े या घटे, ज्योति बताओ, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके बी कॉम से एम कॉम बढ़ी है या घटी है, वो तो आपका इस तरीके से डेविएशन आएगा पॉजिटिव, जिसका कम हुआ उसका नीचे चला जाएगा। दूसरे का आ गया, फिर मान लो अगर आपके ना, जैसे आपने ये टेंथ के देख लिए, प्लस टू के देख लिए, आपका हो सकता है ग्रेजुएशन का देखा फिर हो गया, अगले आ रहा है फिर आपका बढ़ रहा है, तो फिर डेविएशन दिखाना है, तो पॉजिटिव आ रहा, तो जो भी दिखा रहा है जितना पॉजिटिव आया इस तरीके से चलता रहेगा। डेविएशन का मतलब चेंजेस कितना आया है उसमें, पूरा नहीं आएगा, जितना चेंजेज आए, मतलब 5% का चेंज आती है, 5% है आपका, आई समझ में। इंक्रीज हो रहा तो अपवर्ड में चलेगा, अगर डिक्रीज हो रहा तो डाउनवर्ड चलेगा, ठीक है। तो ये था आपका डेविएशन डायग्राम। एक आपका रेक्टेंगुलर बार डायग्राम, देखो इसमें क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों चेंज होती है। अगर आपकी बड़ी है ना, तो देखो ये इधर भी बढ़ेगा और अपवर्ड भी बढ़ेगा, और कम होएगा तो दोनों चीज़ें कम होंगी, या आप ये दोनों चीज देखो, दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग है, आपके मार्क्स, आपके मार्क्स, आपके ज़्यादा है ना तो आपकी ये चीज़ भी ज़्यादा दिखाई जाएगी और ऐसे भी ज़्यादा दिखाई जाएगा, इनके कम है तो इसको ये भी कम दिखाई जाता है, ये भी कम दिखाई जाता है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों में चेंजेस होता है, तो क्या होता है, रेक्टेंगुलर बार डायग्राम, ठीक है, आया समझ में। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में बिल्कुल आपका स्क्वायर की पोजीशन लेता है इस तरीके से, जैसे आप इसी पे लिख दो ऐसे, और बनाना चाहोगे तो इसका इतना इंक्रीज कर रहे तो इसी लेवल पे सारा इंक्रीज होगा, स्क्वायर बनेगा आपका, ठीक है, मतलब स्केयर के फॉर्म में बनेगी सारी चीज़ें, उसमें ये नहीं होता। प्रेजेंट करने की स्टाइल है डेटा को, कैसे भी कर लो आपकी मर्जी है, सेम डेटा ऐसे भी प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना, आपकी आपके तरीके है, बस इसने इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और पाई डायग्राम क्या होता है, पाई डायग्राम आपको पता है 360 डिग्री पे होता है, ठीक है, 300। चलो एक चीज़ बताना, पाई डायग्राम है आपके पास, और आपको सिंपल सी एक बात दे रखी है कि ये टोटल ना इनकम तो दे दी आपकी 18,000 रुपये, और इसका ये जो एक ए पर्सन है ना, इसका जो एंगल दे रखा है वो 45 का है। अब मुझे ये बताओ कि इसकी इनकम कितनी है ए की, बताइए। देखो आपने लिखा था कि यहाँ पर चला 18,000 रुपये का मानते हैं ना, तो 18,000 आपके 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है, तो बस सिंपल सा करो, 18,000 डिवाइड में 360
मल्टीप्लाई निकल जाएगा, ठीक है। देख लेना कितना आता है आपका, 2250 आएगा, ठीक है। और आप बता सकते हो परसेंटेज में दे रखा हो तो, डिग्री ये दे दी आपको 45%, हाँ तो ठीक है। अब ये बताओ, मान लो ये चीज़ है और मैंने कहा कि ये 10% है, 10%, अब इसकी इनकम कितनी होगी? टेन परसेंट तो 36 का बन गया, 1800 रुपये इनकम हो गई, ठीक है ना, सिंपल सा निकल जाएगा। हाँ डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ये 1800 रुपये, कितना आया? 36 को डिग्री आ जाएगी। हाँ तो डिग्री 36 है, टोटल 360 होती है, टोटल 18000 है। ऐसे निकालो या सीधा निकालो 18000 का 10%, दोनों ही तरीके ठीक है। अगर पाई को यूज कर रहे हो तो आप वैसे कर लो, ठीक है, ओके। ये डीआई में आते हैं आपके, 5-10 नंबर का काम आता है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन में एक या तो टेबल होती है, टेबल ही आती है मोस्टली केसेस में, कभी कभी पाई चार्ट आ जाता है, कभी कभी बार डायग्राम आ जाता है, तो वहाँ पर आपको डेटा को देख के वो नीचे क्वेश्चंस देने होते हैं। और इस बार का दिखाता हूँ मैं आपको, इस बार की डीआई चलो सोल्व भी करना, पेपर है अपने पास, दिक्कत क्या है। कर देंगे ज्योति, अभी तो सोल्व कर ले, सोल्व कल सैटरडे को ना मैं सोल्व करवाऊंगा इसको पूरे को, उस दिन तो आना ही आना आपने, ठीक है। सैटरडे को पहला ही शायद डीआई का ही क्वेश्चन है ये, हाँ ए डीआई का ही है। तो देखो आप सोल्व करने की कोशिश करो, निशु को जानते हो आप सभी, निशु इज द मतलब टॉप रैंकर इन इंडिया में टॉप रैंकर हुई वो लड़की, अच्छे नंबर है उसके, रिजल्ट नहीं आया लेकिन आएगा जब, बहुत अच्छे नंबर है उसके। पिछली बार भी अपने सेंटर की एक स्टूडेंट अंजलि मलिक नाम था उसका, उसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी, ठीक है। तो इस बार रिंक इसका निशु का भी शायद अच्छा आएगा, तो अगली बार आप में से कोई एक हो या सारे हो तो ज़्यादा बेटर है ना, ऐसे मजे आते रहते, एक हर बार कोई ना कोई तो आता है, इस बार आपकी बारी होगी, होता तो आप में से ही है ना कोई, हाँ तो देख लो। तो ये देखो एक ये टेबल है आपके पास, टेबल में क्या दिया हुआ है, टेबल को ना पहले क्वेश्चंस पे नहीं जाते हैं, बल्कि आपने टेबल को अच्छे से पढ़ना सीख लो, ठीक है। शीतल आपके डीआई के क्वेश्चन भी गलत थे, आपको पता है शीतल? हाँ 4-3 out of 5 आपके गलत थे। द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज चेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मॉडल्स ऑफ लैपटॉप का दे रखा है, मैन्युफैक्चर बाई कंपनी ओवर टू, अच्छा 2 consecutive years नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये 19-20 का डेटा दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स जो 19 में है वो 35 लाख है और 20 में आपके 44 लाख है। बेस्ड ऑन द डेटा द टेबल आंसर द क्वेश्चन, देखो आपके पास 35 और 40 का है, ये परसेंटेज दे दिया, लैपटॉप के मॉडल है ये F तक मॉडल है, परसेंटेज दे दी इतना परसेंट। जैसे अगर आपके पास ये 35 लाख है उसका 30% एक टाइप के है तो 35 × 3 यानी 10 35 लाख है, 10,50,000 ए टाइप के आपके लैपटॉप है 2019 में, ठीक है ना। 30% दे रखा है, 35 लाख का 30% हो गया 10,50,000 रुपये। इसी तरीके से भी एक कैलकुलेशन जब आप करते रहोगे ना, जैसे तो आपका माइंड अपने आप कैलकुलेट करके देता है, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जैसे मैंने अभी सोल्व में कर नहीं रहा था, अपने आप निकल के आ जाता है आंसर। अभी 35 लाख का इधर 15% है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेट, इधर कर लेना 20% 10% ये निकल जाएंगे आपके, ठीक है। दे दिया आपको डेटा, अब इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछेगा आप, क्वेश्चन क्या आपके पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉडल एफ
लैपटॉप्स प्रोड्यूस्ड इन 2019 एफ के मॉडल का जो रेशियो किसके साथ टू द नंबर ऑफ मॉडल सी 20, तो सी का 15% है, कितना 44 लाख का 15% लेना आपने, और इसका कितना है 10% है। हाँ ये रहा एफ का कहाँ है 10%, मुझे नहीं क्या देखा नंबर ऑफ मॉडल एफ 2019 में एफ तो 10%, ठीक है 10% का, और सी का वो कितना आपका, तो आप ये नहीं करोगे कि 10 और 15% लिख दोगे, ऐसे नहीं होता, क्यों, क्योंकि दोनों में नंबर आपके सेम नहीं है, उसमें 44 लाख है और उसमें आपके 35 लाख है, तो उसका पहले जैसे उसका 35 लाख का 10% होएगा 3,50,000, और उसका 2020 में कौन सा है एफ है क्या सी, सी का 15%, 44 लाख का 15%, तो उन दोनों का रेशियो निकलेगा, 3,50,000 का और 44 लाख का 15% कितना आया 44 × 15, एक बार करके देख लो आपको क्या प्रॉब्लम है। किसकी आई ग्राफ्स, ग्राफ्स में कैसे होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके, ये भी क्या है प्रेजेंटेशन द टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स और लाइंस ऑन द ग्राफ पेपर, किस पे ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना, तो जो हमने कहा कि ग्राफ्स के पेपर पे जो कर्व्स और लाइंस में आप बना रहे हो तो वो क्या होगा ग्राफ्स में बनेगा, तो देखो इसमें क्या होगा टाइम सीरीज ग्राफ, टाइम सीरीज में क्या होता है भैया आपका, जैसे इसमें होगा आपके पास कि एक एक्स एक्सिस में कुछ दे दिया, वाई एक्सिस में कुछ दे दिया, जैसे कि एक साइड में तो आपने दे दिया टाइम, टाइम में लिख दिया कि आपका 2000, 2001, 2003, एक साइड आपने लिख दिया प्रॉफिट कॉस्ट और कुछ लिख दिया, और उनका फिर आपने डेटा दे दिया, तो वो उसके ट्रेंड बन जाएगा इस तरीके से, ये देखो ये दे दिया, इधर टाइम दे दिया, इधर कुछ और चीज़ दे दीजिए, और वो बता देगा क्या ट्रेंड रहा है, ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा यूज होती है आपकी, ठीक है। एक होती है वन वेरिएबल की, तो इस तरीके से आ जाएगी, टू वेरिएबल की है ना तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से टू वेरिएबल की। एक होती है फॉल्स बेस लाइन, देखिए फॉल्स बेस लाइन क्या होती है, मान लो जैसे आपका ये है, ये दे दिया आपको कैसे, जैसे ऐसे दे दिया ईयर और आपका इधर दे दिया प्रोडक्शन, ईयर दे दिया और आपका दे दिया, तो ईयर जैसे मान लो लिखा 2000 और 2001, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख दिया, और प्रोडक्शन ना फर्स्ट ईयर क्योंकि आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया था तो प्रोडक्शन आपका सिर्फ 10 केजी का हुआ था, और सेकंड ईयर आपकी भाई आपका अच्छा हो गया था तो आपका ना प्रोडक्शन 5 लाख हो गया था, फिर आपका मतलब 6 लाख हो गया, फिर 7 लाख हो गया, फिर आपका 8 लाख हो गया, फिर आपका मान लिया 20 लाख हो गया, एकदम से फिर बढ़ गया। अब देखो अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई यहाँ क्या है वहाँ कितना 10 केजी से 5 लाख, अब ये बताओ 10 केजी कहाँ दिखेगा, इसमें दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा ना, अगर आप मान लो गैप बना रहे हो 1-1 लाख का भी तो ऐसे बनेगा 1-1 लाख का भी है ना, और 1-1 लाख का बनाओगे तो 20 लाख की काफ़ी लंबी लाइन बन जाएगी, तो उसमें क्या होता है जैसे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उस केसेज में क्या होगी फॉल्स बेस लाइन खींची जाएगी, जैसे मैंने लिखा ये 10 केजी का लिखा, और फिर मैं क्या करूँगा मैं सिंपल सा एक काम करूंगा क्या, देखो अब आपको ये समझ में आया, ये हो गई आपकी फॉल्स बेस लाइन, ये मैंने 10 का लिखा, उसके बाद आप स्टार्ट कहां से हो जाएगा 5 लाख से, समझ में आया, तो गैप है उसको ख़त्म कर दिया, अब देखो फिर से गैप हो रहा है 8 से 20 लाख का, तो ऐसे फिर आप 8 लाख के बाद फिर ऐसे दो फॉल्स बेस लाइन लिख के आगे कर दोगे, समझ में आई, फॉल्स बेस लाइन का मतलब झूठी आधार रेखा है, मतलब आपने दोबारा से फॉल्स बना, ये दिख रहा होगा ना आपको, ये आपने 10 केजी लिखा एंड देन फिर फॉल्स बेस लाइन खींच दिया, 5 लाख से स्टार्ट होगा आगे, ठीक है, ये तब होता है जब आपका इंटरवल बहुत ज़्यादा गैप होता है, ठीक है, आगे समझ में भाई, जब डिफरेंट ज़्यादा होता है ना तब आपकी फोर्स बेस लाइन खींची जाएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो अभी आपने देख लिया कि जीरो से शुरू नहीं होके या बाद में जहाँ कहीं पे भी होता है, अब मैं बता सका कैसे कैसे होता है, नैरो रेंज होती है तब होता है आपके पास, ठीक है, ओके। वन और मोर वेरिएबल के कंपेरिजन के लिए भाई ये चेंज हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इस तरीके से आपको दिखा दिए कंपेरिजन के लिए,
एक रेंज का कि वही उसी तरीके से। अब ये ना रेंज है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपके फिक्स है, तो इसमें आपको ये दिखाया गया कि ये डेविएशन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है इस तरीके से आपका जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, रेंज डायग्राम हो गया, ठीक है। हाँ भाई, दूसरा देखो आपके पास रेंज का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर रेंज में आपके, ये देखो आपकी मैक्सिमम लिमिट रही, ये आपकी मैक्सिमम, ये आपकी मिनिमम, और इसके रेंज में ऐसे घूमेगा ये कि इनके बीच में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, तो ये वो आपका रेंज ग्राफ। एक होता है बैंड, तो बैंड रेंज में आपने कहा कि देखो आपको एक लिमिट है कि आपके मैक्सिमम ना 100 मार्क्स आ सकते हैं, मिनिमम कितने आ सकते हैं 0, ये रेंज होगी इसमें, कितने रेंज पे घूम रहे हो आप, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोडक्शन का होता है कि मिनिमम प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा ना, वो आपकी जो स्टॉक लेवल का जो आपका कंसेप्ट आता है, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, लोवेस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, वो वाला सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। एक बैंड आया, बैंड का मतलब आया कि अब देखो ये आपका एक ग्रोथ चल रही है बिल्कुल, पहला बैंड कहाँ है यहाँ, जब आपकी डाउन आया, फिर आपका बढ़ाता बैंड आया, इस तरीके से इसको बोलते हैं बैंड ग्राफ। क्या बोलते हैं आपके, आई बात समझ में, ठीक है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद आया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में, ये देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। सबसे पहले आया आपका हिस्टोग्राम, ये आपका हिस्टोग्राम है, देखिए आप। अब यहाँ से ना क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, हिस्टोग्राम क्या होता है, ये देखो आपने लिखा कि इक्वल क्लास इंटरवल है आपकी, इक्वल क्लास मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से, तो आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, इसकी ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, ऐसे ये फ्रीक्वेंसी लिख दी, तो ये क्या बना आपका हिस्टोग्राम बन गया। अब हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये जो वैल्यू है ना, ये हाईएस्ट वाली हिस्टोग्राम इसको बोलते हैं, और इन दोनों को मैच कर दो, ऐसे कर दिया मैच, और जो ये बीच में जो पॉइंट बना है ना, इसे आप ये डाला, तो ये आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया मोड। क्या बनेगा, मोड। हिस्टोग्राम से किसको दिखाते हैं, मोड को दिखाते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ मोड बाई हिस्टोग्राम, ठीक है। देख लिया आपने, ये तो था इक्वल क्लास इंटरवल, लेकिन हमेशा जरूरी थोड़ी है कि क्लास इंटरवल आपके इक्वल हो। देखो कैसे, अब यहाँ पर देखो 10 से 15 है, गैप कितने का है 5, इधर 15 to 20 5 का, 20 to 25 5 का, 25 to 30 5 का, 30 to 40 इधर कितने का है, इधर आपका 40 to 60, और इधर आपका गैप हो गया ना, एन इक्वल क्लास इंटरवल हो तब आपका हिस्टोग्राम ऐसे नहीं निकलेगा, तब आपको ना एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, जो लोवेस्ट वाली वैल्यू है जैसे 5 की आपकी लोवेस्ट है ना, और आप ये देखिए लोवेस्ट को जो इसकी क्लास इंटरवल का गैप है उससे डिवाइड कर दीजिए, जैसे लोवेस्ट गैप है 5 का और इस क्लास इंटरवल का गैप भी कितने का है 5 का, तो वैल्यू क्या आई आपकी 1, तो इससे इसको क्या किया आपने, इससे इसको डिवाइड कर दिया, 7 / 1 कितना आया, ये रहा जैसे एडजस्टमेंट फैक्टर आया 1, इधर वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ऐसे ही आपका यहाँ तक चलेगा जब तक आपका गैप इक्वल है, तो 15 तक आ गया ना। अब यहाँ पर गैप हो गया 10 का, हो गया 10 का, तो 10 / मिनिमम कितना था 5, तो कितना हुआ 2, तो ये आपका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया 2। अब इसकी क्लास फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, कितनी आ गया 6। उसके बाद देखो फिर आया 12 को, इसका फिर कितने का, आप देखो 40 से 60, 20 का है, मिनिमम कितना था 5, तो कितने एडजस्टमेंट फैक्टर आया 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 एडजस्टमेंट फैक्टर, और इसको 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 60 to 80 आपका 8 से आपका यही 4 आया, एंड देन आपका 2। समझ में आया आपको कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है, ओके। आप करना कैलकुलेट, इसे आपको क्या निकालना है, इसका एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है और इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बस ये काम करना है, प्लीज़ कैलकुलेट। हाँ भी ऑनलाइन वाले आप भी करो। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, 20, मिनिमम कितनी है 10 है, तो कितना है आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर 1, इसका 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 ये आ गया, और देन फ्रीक्वेंसी आप निकाल ही सकते हो आपकी, इसकी आ गई 20, इसकी निकाल दिया आपने, वेरी गुड, समझ में आ गया ना कंसेप्ट। अब इसको आगे क्या करना है, इसको जैसे फ्रीक्वेंसी निकाली ना,
अब इसको इसी तरीके से आपको पुट कर देना है। क्या करना है, जैसे फ्रीक्वेंसी निकाली तो इसको ऐसे पुट कर दो। पहले की कितनी, जैसे आपने फर्स्ट कितनी आपकी 20, तो 20 फिर दोबारा फिर और फिर ऐसे थे ना, तो ये हिस्टोग्राम वैसे मैच करो, ये आपका क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, मोड आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो हिस्टोग्राम आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आपने यूज कर लिया फ्रिक्वेंसी को, एक आपके देखो हिस्टोग्राम आपने बना लिया, एक आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन बना सकते हो। फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन आप हिस्टोग्राम से बना सकते हो और विदाउट हिस्टोग्राम। देखो हर एक के मिड पॉइंट से टच कर दो, हर एक के मिड पॉइंट। ये देखो इसका मिड पॉइंट, ये इसका अगला मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, इसका एक ही मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। इसको बोलते हैं क्या, फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन। क्या बोलते हैं, हर एक आपकी फ्रिक्वेंसी के हिस्टोग्राम में जब आप हर एक फ्रिक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन के मिड पॉइंट को आप क्या कर दो, वो करा दो इंटर, मतलब टच करा के आप एक ग्राफ बनाते, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन। ये तो हुआ आपका विद हिस्टोग्राम, है ना, विद बाय हिस्टोग्राम को यूज करके। विदाउट हिस्टोग्राम अब इसको आप हटा देना, बस ये मिड मिड पॉइंट ले लेना, हर एक की क्या ले ली, मिड पॉइंट ले ली, उसको प्रेजेंट कर दो, तो विदाउट हिस्टोग्राम हो गया। समझ में आ गया आपको, ठीक है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन आ गया और ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब बात आई फ्रिक्वेंसी कर्व। अब देखो ये तो आप ना क्या कर रहे हो, इसमें आप यूज कर रहे हो, मतलब आप प्रॉपर तरीके से स्केल यूज कर रहे हो। जब आप स्केल को यूज ना कर रहे हो, अपने हाथ से बस रेंडमली ऐसे क्लिक कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी कर्व, फ्री हैंड ग्राफ। मतलब इसमें क्या हो रहा है, स्मूथली आप धीरे धीरे आप कोई ग्राफ बना रहे हो, तो क्या बना आपका, क्या बनते हैं, फ्रिक्वेंसी कर्व। समझ में आया आपको, फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन क्या होता है, फ्रिक्वेंसी कर्व क्या होता है। अब आया आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व या ओगाई कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व देखो, ये देखो यहाँ से इधर देखिए, आपके इधर लिखा हुआ है, इधर देख लो बस, ये जीरो से फाइव कितनी फ्रिक्वेंसी है, फाइव टू टेन, टेन टू फिफ्टीन, फिफ्टीन टू ट्वेंटी टेन, ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ट्वेंटी टू, थर्टी टू थर्टी फाइव एटीन, थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव। अब मैं ना इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैं बोलूँ आपको, लिखूँ मैं लेस देन फाइव, तो लेस देन फाइव कितनी फ्रिक्वेंसी है, मैं लिखूँ लेस देन टेन कितनी फ्रिक्वेंसी हो गई, टेन। मतलब ये भी तो कम है ना, चार इससे कम ही है, और ये भी इसी कम है, तो कितनी हो गई, टेन। मैं कहूँ लेस देन फिफ्टीन तो कितनी हो गई, ट्वेंटी। तो ये देखो आपके लेस देन की लिखा, टेन फोर टेन ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी फाइव सेवेंटी सेवन नाइन्टी फाइव हंड्रेड। एक तो ये बन गया आपके पास। एक मैं ये लिखूँ कि मोर देन की, मोर देन की मैंने लिखी मोर देन जीरो, सारी की सारी जीरो से ज़्यादा है ये, तो ये जीरो आ गया, हंड्रेड आ गया। मैं लिखूँ मोर देन फाइव, फाइव से ज़्यादा कितना, देखो चार तो कम कर दो बस, तो कितनी आई, नाइन्टी सिक्स। मैं कहता हूँ मोर देन टेन, तो दस कम कर दो, तो ऐसे ही ये बन जाएगा। ठीक है, लेस देन लिख लिया और मोर देन लिख दिया, और इसकी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन जब आपने लिख ली तो आप कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेंगे, ऐसे और एक आपका ऐसे। लेस देन वाले देखो, लेस देन फोर, लेस देन फोर क्या है आपके, लेस देन फाइव आपके चार फ्रिक्वेंसी है, लेस देन टेन चार तो ये थी, छः ही हो गई, कितनी होगी, दस। लेस देन फिफ्टीन दस तो पहले हो गई थी, दस ही हो गई, कितनी होगी, ट्वेंटी। लेस देन ट्वेंटी थर्टी हो गई, आगे समझ में। अब इसको क्या कर दो, प्लॉट कर दो, और जब प्लॉट कर दोगे तो इसकी देखो कुछ इस तरीके का बनेगा, एक तो ये बनेगा, एक तो बनेगा आपका ये इस तरीके से, और एक बनेगा आपका इस तरीके से, मोर देन और लेस देन वाला। बात समझ में आ गई आपको, ये देखो आपकी कितनी फ्रिक्वेंसी, 96 दिख रहा है ना आपको, तो मोर देन जीरो आपका 100 से स्टार्ट होकर यहाँ से ऐसे बन जाएंगे, और आपका जो भी मिनिमम है वहाँ तक चला जाएगा, और एक आपका ये बनेगा, और दोनों को मैं इकट्ठा कर दूँ तो कहीं ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका बन गया मीडियन। बात समझ में आई आपको, दोनों को इंटरसेक्ट कर दो, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, दोनों जहाँ कर करके वो आपका मीडियन हो गया। क्या कह रहे हो, हाँ ये लेस देन का हो गया, ये बढ़ रहा है ना, देखो लेस देन फाइव, ये फाइव पे, लेस देन फाइव कितनी है, फोर फ्रिक्वेंसी, फिर आपने लिखा लेस देन टेन, तो बढ़ती चली जाएगी ऐसे, और इधर आपकी कम होती आ जाएगी, हंड्रेड नाइन्टी सिक्स
आपकी 80, तो ये ऐसे कम होगी, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, और जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो गया आपका मीडियन। तो दो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, मैं पूछता हूँ आपसे कि मोड किससे दिखाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे हिस्टोग्राम से, एंड आपका मीडियन किससे दिखाया जाता है, होगा ही कब बोल सकते हो या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कब, ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछे कि मीन किसे दिखाया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि मीन को ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, मीन को ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। आगे आएगा तब मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके, ये कुछ डायमेंशनल हुए, वन डायमेंशनल में मतलब एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहार पर एक डायमेंशन होता है, वन लाइन ग्राफ, फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन, बार डायग्राम। टू डायमेंशनल में आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कल पे दोनों चीज़ें दिखा सकते हो, स्केयर पे, हिस्टोग्राम पे और पाई डायग्राम पे। ये आपके वन डायग्राम, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल।